Indians can't make multiplayer shooting game. You better play PUBG. What the f? So let's make a multiplayer game for Android. मैं भी काफी दिनों से गेम डेवलपमेंट सीख रहा हूँ एंड अभी तक मैंने बहुत सारे गेम्स बनाए हैं। एक मिनट, एक दो तीन तीन, ये जान दो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग एंड लुक। मल्टीप्लेयर गेम बनाना इतना भी हार्ड नहीं है, पर इतना भी इजी भी नहीं है, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड सर्वर्स बनाने पड़ते हैं एंड यूनिटी के पास इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो क्यों ना वही से उठा लिया जाए। तो कुछ रिसर्च के बाद आई डिसाइडेड टू यूज फोटोन बिकॉज दे आर गिविंग 20 कॉन्करेंट यूजर्स फॉर फ्री, विच इज इनफ फॉर मी नाउ। आगे की बाद में देखेंगे। एंड मैंने टेस्टिंग के लिए डेमोसिन टेस्ट किया विद क्यू एंड एवरीथिंग वर्क्स नाइस। तो अभी एक्चुअल गेम पे फोकस करते हैं। सो मल्टीप्लेयर गेम्स बहुत टाइप्स के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ, बट मेरा गेम बिल्कुल सिंपल है, बॉर्न एंड डाई। नहीं समझे? इट्स अ सिंपल फ्री फॉर ऑल शूटिंग गेम इंस्पायर्ड बाय मेडल ऑफ ऑनर। एंड नाउ गेम बनाने के लिए सबसे पहले लगेगा कैरेक्टर, एंड मेरे से अच्छा कैरेक्टर क्रिएटर कहाँ मिलेगा। कैसा लगा मेरा मजाक? तो टैंगो मैन, नाइसी। और हाँ, अभी एक टैंगो मैन कहाँ से आया? मोस्ट FPP गेम्स में मैप्स बहुत मैटर करते हैं, ऑल दो वो स्मॉल हो या बिग। एंड मैंने भी अभी तक बहुत सारे मैप्स बनाए हैं। एक मिनट, ये क्लिप कहाँ से आ गई? व्हाट द फ? हाँ, तो मैंने भी बहुत सारे मैप्स ऐसे स्टोर से उठा लिए हैं, क्योंकि फ्री के माल को कभी छोड़ा नहीं जाता। हाँ, वो बात अलग है कि लास्ट रेवेन्यू में टैक्स काट लेते हैं, बट इस बार मैं खुद मैप बनाऊंगा एंड यूनिटी के प्रो बिल्डर की मदद से मैप बनाना बहुत ईजी है। तो मैंने फोटोशॉप में मैप का डिजाइन बना लिया एंड यूनिटी में उसकी मॉडलिंग कर ली। एंड मैप कुछ खाली खाली लग रहा है, आई मीन पूरा खाली है, सो ऐसे स्टोर कब काम आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो यहाँ पे कुछ मुझे ऑब्स्टिकल्स मिले विद क्वाइट इंटरेस्टिंग प्राइस। सो अब हम यहाँ आ ही गए तो क्यों ना रेड। Are you kidding me, idiot? सो गेम के लिए जो जो एसेट्स की एक्चुअल नीड थी वो मैंने ले लिए। ऐसी बात नहीं है कि मैं बना नहीं सकता, आई कैन बिल्ड इट, बट इतने सारे लोग कौन वेट करेगा। सो नाउ मुझे प्लेयर के कैरेक्टर को शूटिंग के लिए डिजाइन करना होगा एंड इसमें मोस्ट कॉमन जो इंटीग्रेशंस आते हैं वो एनिमेशंस, कंट्रोल्स एंड आई डोंट नो। एंड एनिमेशंस में आता है इनवर्स किनेमेटिक्स। एंड जिनको इनवर्स किनेमेटिक्स नहीं पता, तो इनवर्स किनेमेटिक्स मतलब एक टारगेट एक से ज्यादा चाइल्ड्स को टारगेट कर सकता एंड चाइल्ड टारगेट्स अपने पेरेंट कंट्रोल्स को लॉस्ट कर देते हैं। ये क्या बन गया? तो मैंने यूनिटी के एनिमेशन रिगिंग की मदद से ब्लेंडर के कैरेक्टर को इनवर्स किनेमेटिक्स दिए, बट एक्चुअली इट्स नॉट वर्किंग। सो आई थिंक एनिमेशन रिगिंग ब्लेंडर की रिगिंग से कंपेटेबल नहीं है, दोनों का 36 का आंकड़ा है। एनीवेज, जो मैंने ब्लेंडर में एनिमेशन बनाई थी वो अब कुछ काम की नहीं रही, सो अगेन मुझे मिक्सेमो से एनिमेशन चुराने होंगे। सो अभी के लिए मैंने सिर्फ वॉक के एनिमेशन लिए है, बाकी मैं देख लूंगा। मोस्ट FPS गेम्स में गन्स बहुत मैटर करते हैं एंड द इजिएस्ट गन इज पिस्टल बिकॉज पिस्टल नाइसी। एंड ऑल्सो आउट ऑफ द मोस्ट गेम्स में पार्कोर भी होता है, सो मैंने भी सिंपल वॉरन डाल दिया है एंड इससे मूवमेंट में थोड़ा स्पाइस अप भी आएगा। एंड ऑल्सो मैं हुकशॉट भी इंप्लीमेंट करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अभी के लिए सूटेबल होगा। सो फॉर नाउ एसेट स्टोर से जो एसेट्स लिए थे उसका यूज करेंगे बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि एक गन से किसी का काम चलेगा, बिकॉज पिस्टल
Are you kidding me, idiot? So, अभी के लिए मैंने सिर्फ 4 assault rifle and 1 upgradable sniper डाली है and आगे भी मैं इसमें guns डालता रहूँगा. सिंस मैं मोबाइल के लिए गेम बना रहा हूँ तो ऑप्टिमाइजेशन जरूर है एंड इसमें से मोस्ट यूजफुल फीचर है लाइट बेकिंग. इसमें लाइट को बेक किया जाता है एंड इससे गेम में रियलिस्टिक लुक भी अचीव कर सकते हैं एंड ऑल्सो इससे परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है. सो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई. अबे जला डाला. सो मुझे नहीं लगता कि मैं एक ही बार जलाने वाला हूँ. सो मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स एंड आर्टिकल्स चेक किए अबाउट लाइट बेकिंग एंड नाउ इट्स लुकिंग नाइसी. बिना पावर अप्स के मैप्स अधूरे हैं तो मैंने स्नाइपर का पावर अप डाल दिया है जिससे स्नाइपर अपग्रेड होती है एंड एक इन गेम क्रेट डाल दिया है जिससे इन मैच में आप गन्स एक्सचेंज कर सकते हैं एंड द लास्ट पावर अप मिसाइल लॉन्चर. बिकॉज काफी सोचने के बाद एक डिसेंट मल्टीप्लेयर एफपीएस गेम में मिसाइल लॉन्चर जैसे पावर अप्स होने बहुत जरूरी है नहीं तो गेम बोर हो जाता है. अभी भी है. लुक एक मैप से कोई भी बोर हो सकता है एंड ऊपर से ये मैप मैंने बनाया है इसलिए ऐसे स्टोर से मैंने एक दो मैप चूज किए एंड दोनों मैप सिटी है एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने पहले वाले मैप के फॉर्मूलास इन पे भी अप्लाई कर दिए हैं. ऑल्सो इन पे भी मुझे लाइट मैपिंग करनी होगी एंड एक बार फिर से मुझे जीपीयू की कुर्बानी देनी पड़ेगी एंड ऑल बैक्स डन सक्सेसफुली. लेट मी शो यू. एंड ना मुझे गेम में यूआई डालने होंगे क्योंकि बिना यूआई के गेम इनकम्प्लीट होता है एंड यूआई में बेटर विजुअल्स देना क्वाइट ट्रिकी है क्योंकि इसमें बहुत से डिजाइन होते हैं कि कौन से टाइप का इम्प्लीमेंटेशन गेम से मैच करेगा. मोस्ट ऑफ द मोस्ट गेम्स में ये इजी हो जाता है एंड अदर साइड्स में ये ट्रिकी. तो अभी के लिए मैंने सिर्फ सिंपल क्लासिक डिजाइन इम्प्लीमेंट किया है बट फॉर नाउ के लिए इट्स नाइस. एंड नाउ मुझे पूरे गेम को मल्टीप्लेयर गेम में कन्वर्ट करना होगा एंड कन्वर्शन मतलब सारे स्क्रिप्ट्स को नेटवर्किंग नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होगा. तो मैंने सब कुछ मॉडिफाई कर लिया है एंड आई थिंक एवरीथिंग वर्क्स गुड. वाह, गेम बनाए नहीं कि बग्स आ गए. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पर कोई बात नहीं, बग फिक्स करना कोई नई बात नहीं है. ये बहुत इजी होता है, इसमें सिर्फ स्क्रिप्ट में एक दो लाइन ही मॉडिफाई करनी पड़ती है. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. Are you kidding me, idiot?
हाँ तो चार पाँच घंटे बाद मैंने सारे बग्स फिक्स कर दिए हैं। मोस्ट ऑफ द बग्स मैंने फिक्स किए एंड बहुत से ऐसे बग्स थे जो मेरे से फिक्स नहीं हो रहे थे। तो मैंने कुछ फोटो में ट्यूटोरियल्स चेक किए एंड प्लीज थैंक्स टू रग बग रेड फंड इफ आई प्रोनाउंस राइट ही हैव ऑसम ट्यूटोरियल सीरीज ऑन फोटोन नेटवर्किंग प्लीज चेक आउट चैनल। सो आफ्टर लर्निंग मोर अबाउट फोटोन आई मेड अ लॉबी सिस्टम इससे रूम्स फाइंड एंड ज्वाइन करना बहुत आसान हो जाएगा। एंड एज वेल मैंने कैरेक्टर कस्टमाइजेशन मेन्यू बनाया जिसमें सिर्फ अभी के लिए स्किन कस्टमाइजेशन है। इट्स नॉट दैट वर्सटाइल बट इट्स ओके। एंड ऑल्सो मैंने मैप चेंज का भी ऑप्शन दे दिया है। अभी के लिए सिर्फ 3 मैप्स है लेकिन कोई बात नहीं। एंड ऑल्सो गेम में थीम म्यूजिक भी जरूरी होता है एंड आई थिंक आई कैन मेक वन ऑफ इट। कैसा लगा मेरा मजाक? Are you kidding me, idiot? So मुझे भी एक म्यूजिक मिला जो मेरे से भी बॉस का स्किल से भी अच्छा है। हाँ सिंस मैं एंड्रॉइड के लिए गेम बना रहा हूँ तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन भी जरूरी है क्योंकि करंट प्रोजेक्ट अल्ट्रा सेटिंग्स पे है एंड मैंने लाइट बेकिंग से हाफ ऑफ द परफॉर्मेंस पहले अचीव कर ली थी एंड अदर्स जो इश्यू आ रहे थे वो मैंने प्रोफाइलर की मदद से सॉर्ट आउट कर दिए। इससे थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो गई है एंड आफ्टर ऑल द गेम इज रेडी। सिर्फ एपीके बिल्ड करना बाकी है जो सिर्फ एक क्लिक का खेल है। But what? What the Rock? Rocking Marky Rock! Lot of boring math later. तो 3-4 दिन घंटे बर्बाद करने के बाद 100-200 आर्टिकल्स चेक करने के बाद सो फाइनली मेरा फर्स्ट एपिक एक्सपोर्ट हो गया एंड मैंने पहले ही गेम का लोगो बना लिया था एंड मुझे गेम प्ले एंड गेम टेस्टिंग भी करनी है तो मैंने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया एंड उनके साथ गेम प्ले रिकॉर्ड किया है। पर गेम प्ले दिखाने से पहले आई इनवाइट यू टू ज्वाइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर जहां मेरे गेम्स एंड यूट्यूब के रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो प्लीज चेक आउट लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड फॉर नाउ एंजॉय। Yeah, boy.
नानी お前はもう死んでいる。नानी मजा आया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
何？お前はもう死んでいる。